नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे CCS HAU के जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे 24 और 31 अक्टूबर को, BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर, 6 ईयर BFSC, इन तीनों कोर्सेज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो आपका कब आएगा और कितनी कितनी सीटें हैं किस किस कॉलेज में, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही आपको हम बताएंगे आगे काउंसलिंग कब होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट है एंट्रेंस टेस्ट का वो आपका 9 नवम्बर को आएगा, और जो टोटल कैंडिडेट ने BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर और BFSC के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था वो उनकी जो संख्या है वो 6143 कैंडिडेट ने आपकी एग्ज़ाम दिया था 4 ईयर का, BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर्स का 4 ईयर का एंट्रेंस टेस्ट दिया था। तो जिसकी टोटल 105 सीटें आपकी CCS HAU में और 25 सीटें आपकी CCS कॉल में है जो कैथल में आपका, और 25 सीटें आपकी बावल में जो कॉलेज है उसमें है। तो टोटल आपकी जो सीटें हैं 155 सीटें हैं BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम की, जिसमें HAU कैंपस में 105 सीटें हैं, और जो आपकी BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है जो उसकी जो सीटें हैं वो 50 सीटें हैं, जिसकी 50 की 50 सीटें आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल में हैं, और जिसके लिए 3,424 कैंडिडेट ने आपकी एग्ज़ाम दिया था। और इस बार जो एब्सेंट है कैंडिडेट वो बहुत ज़्यादा है, तो इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहने के चांसेस है, 2 या 3 मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियो आप हमने पहले ही बना रखी है, कितनी सीटें हैं क्या फीस स्ट्रक्चर है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो 9 नवंबर को आपका रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा, तो जैसे ही रिजल्ट रिलीज़ होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।